फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे आलू के समोसियाँ और यहाँ पे टिक्की बनाएंगे आलू के। तो कटलेट्स बनेंगे यहाँ पे। मैंने ये हैं बॉईल किए हुए आलू लिए हैं यहाँ पे। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होगी, आप वीडियो के अंत तक देखिएगा। बंद गोभी ली है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा धनिया लिया सब बस फ्रेश धनिया, और बारीक कटा हुआ यहाँ पे मैंने प्याज लिया है एक मीडियम साइज़ का, सब्ज़ मिर्चें ली हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई, और साथ में एक लेमन। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। पहले हम आलू मैश कर लेंगे, बॉयल किए हुए आलू हैं तो इनको हम ठंडा करके फिर मैश करेंगे, गर्म आलू बिल्कुल भी मैश नहीं करने हैं। आलू जो है हमने इनको मैश कर लिया है अच्छे से फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी, सबसे पहले प्याज ऐड कर दूँगी, बारीक चॉप की हुई प्याज है। इसमें ऐड करेंगे यहाँ बारीक कटी हुई बंद गोभी। इसके साथ ही हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे धनिया लिया है मैंने, इसको हम बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेश धनिया है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा, आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। धनिया हमने काट लिया है, अब इसमें सब्ज़ कटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे। इसके साथ हम लेमन जो लिया है एक अदर लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे। इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, यहाँ सुरख मिर्च ली है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, आप कम से ज़्यादा जितनी खाना चाहते हैं उतनी ऐड कर सकते हैं। मैंने वन टीस्पून ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च लिया है ये भी मैंने वन टीस्पून ही लिया है। इसके साथ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी अपने जायके के मुताबिक, आप जितना खाना चाहते हैं। मैंने वन टीस्पून नमक ऐड किया है यहाँ पे। अब हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे, ये मैंने लिया है यहाँ पे अजवाइन ली है, हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड कर देंगे। चाट मसाला लूँगी मैं यहाँ पे, हाफ टी स्पून ही ये लेंगे, इसका जायका जो है इससे बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। जो है ये हमने तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पे लेंगे समोसा पट्टी लेंगे और उसको फोल्ड करना बताऊँगी किस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए लही तैयार की है, मैदे में उसके बराबर का पानी ऐड करेंगे और उसकी लही तैयार कर लेंगे। इसको पट्टी को देखे यहाँ से पकड़ेंगे और इसका कॉर्नर जो है ये इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से ला के दूसरी साइड पर, तो इस तरह से इसको लगा देंगे। और यहाँ पर अब हम लही लगाएंगे जो हमने तैयार की है मैदे और पानी को मिक्स करके, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और इसमें फिल कर लेंगे जो हमने यहाँ पे आलू का मिसा बनाया है वो इसमें ऐड कर लेंगे। हम साइज समोसे जो वो रेडी कर लेंगे। साइज समोसे जो तो हमने रेडी कर लिए हैं फ्रेंड्स, जो हमेशा बचा था उसकी मैंने यहाँ पे कटलेट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। समोसे जो वो बहुत ही इजी बन चुकी हैं। तो ये देखिए जो बाकी का हमेशा बचा था उसके मैंने कटलेट्स बना लिए हैं। तो देखिए बहुत ही इजी है इसको बनाना, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर ऑयल जो है उसको मैंने गर्म कर लिया है। ये फ्राई हो चुकी हैं, अब उनको निकाल लेंगे और कटलेट्स जो है उनको भी फ्राई कर लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, आप इसको झटपट से बना सकते हैं फ्रेंड्स, को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आलू और बंद गोभी जो हमने कटलेट्स बनाए हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे। साथ जो मैंने चटनी यहाँ पर रेडी की है
वो मैंने यहाँ पे मायोनीज ली है और साथ में दही के 2 चम्मच लिए थे, 1 चम्मच मायोनीज और 2 चम्मच दही लेके तो उसको मिक्स किया अच्छे से। और देखिए ये फ्रेंड्स, मैंने इसकी चटनी जो थी वो रेडी कर ली है। इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है, काली कुटी हुई मिर्च, तो बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। आप लोग भी इसको चटनी को साथ ही पेश कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू फ्रेंड जो हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।